जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद कंडक्टर अशोक का पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल कर जबरन कबूल करवाया गुनाह। मैंने नहीं किया प्रद्युम्न का मर्डर। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के दो डेरों की सर्च रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने हाईकोर्ट को सौंप दी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट मोहिंदर सिंह जोशी ने बताया कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा के दो डेरों की देरी से की गई सर्च के चलते सर्च का उद्देश्य ही खत्म हो गया है। डाड़म खनन मामले में हाईकोर्ट की फटकार। प्रदेश के खनन विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक, डीसीएसपी और खनन अधिकारी को जारी किए गए खुदाई किए गए पत्थरों को न उठाने देने के निर्देश। नियमों को दरकिनार कर माइनिंग के मामले में दायर की गई याचिका। रेवाड़ी के गांव मामलिया में सामने आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात। दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के कुछ दिन बाद ही पति ने अपने चचेरे भाई से संबंध बनाने को कहा। छोटे भाई ने भी कई बार किया रेप। मामला दर्ज, आरोपी फरार। अमाला में पुलिस चौकी के बाहर पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या। पत्नी को मनाने पुलिस चौकी आया था पूर्व फौजी। पत्नी के न मानने पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने इलाज के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले ढोंगी बाबा को किया गिरफ्तार। कैश और सोने की ज्वेलरी बरामद। पीड़ित महिला की शिकायत पर गुरुग्राम थाना सेक्टर 40 पुलिस ने की गिरफ्तारी। गुजरात और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में नावली से दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। करीब एक महीने पहले भरूच और सूरत से 3 एटीएम काट कर 1.5 करोड़ की डकैती का आरोप। ट्रांजेक्शन रिमांड पर दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई गुजरात पुलिस। गुरुग्राम के भोंडसे जेल में आज फिर मिले 19 मोबाइल। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज। में जेल से बरामद हो चुके हैं 100 से ज्यादा मोबाइल। सफीदों में एक होमगार्ड के जवान की गुंडागर्दी सामने आई है। होमगार्ड जवान ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी सब्जी रेहड़ी में ठोक दी। घटना में रेहड़ी मालिक बाल बाल बच गया। लोगों ने होमगार्ड को रोका तो गाली गलौज कर अपनी भौंस दिखाकर मौके से फरार हो गया। यमुनानगर में दामला के पास सहारनपुर कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे पर चलती टवेरा गाड़ी में अचानक आग लग गई। बड़ा हादसा चला। टवेरा में सवार लोगों ने खिड़की से निकलकर बचाई अपनी जान। हरियाणा के दादरी जिले में पद्मावती फिल्म के विरोध में उतरी खाप पंचायत। सांगवान, पंवार, फौगाट समेत कई खापों ने किया समर्थन। फिल्म पर बैन की मांग को लेकर 27 नवम्बर को होगा विरोध प्रदर्शन।